नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। एक बार फिर हम हाजिर हैं अपनी इस खास पेशकश को लेकर जिसका नाम है खबरों के खिलाड़ी। हमेशा की तरह शो में हम बात करेंगे बीते एक हफ्ते में देश में हुए ढेर सारे राजनीतिक उठापटक घटनाक्रम के बारे में। यूं तो कई सारी बातें हैं, कई सारे हाईलाइट्स हैं जिस पर बात हो सकती है, लेकिन सुर्खियां दो जगहों से खूब आई हैं, एक देश की राजधानी दिल्ली से और दूसरी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से। एक तरफ जहां विपक्षी एकता की बात हो रही थी, एक मंच सजा हुआ था, ढेर सारे एजेंडे थे, लेकिन उससे पहले एक ट्वीट आता है और केंद्रीय मंत्री के एक ट्वीट ने ढेर सारी हेडलाइंस को बदला, लोगों के चर्चा के विषय को बदला। ट्वीट इस बारे में था कि संसद का एक सत्र आयोजित होने वाला है और अचानक से जैसे ही ये जानकारी आई, सबके मन में सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अभी हाल में ही सत्र पर जो विराम लगा उसको एक बार फिर से बुलाने की जरूरत पड़ी। और उसके बाद जिस तरीके से तस्वीरें और सूचनाएं सामने आई, एक बहस इस देश में शुरू हो गई है कि क्या ये देश एक देश एक चुनाव की ओर बढ़ रहा है। खबरों के खिलाड़ी में इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ हमेशा की तरह एक बड़ा पैनल मौजूद है और एक एक करके मैं परिचय कराऊं तो हमारे साथ गुंजा जी मौजूद हैं पहली कुर्सी, जैसा हम खबरों के खिलाड़ी पर करते हैं कि वो उस कुर्सी पर हैं। हमारे साथ अवधेश जी मौजूद हैं एक विराम के बाद, अवधेश कुमार जी मौजूद हैं एक विराम के बाद, बहुत स्वागत। प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, पिछले हफ्ते भी आप हमारे साथ थे। समीर जी आप एक बार फिर हमारे साथ और देश रतन जी एक लंबे अंतराल के बाद खबरों के खिलाड़ी शो में हमारे साथ मौजूद हैं। और गुंजा जी उस परंपरा का निर्वहन करते हुए सबसे पहला सवाल जो सबके मन में मेरे ख्याल से चल रहा है कि ये जो सेशन आयोजित होना है, जो सत्र आयोजित होना है, क्या ये देश सच में एक देश एक चुनाव की तरफ बढ़ने वाला है? थैंक यू सो मच फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इन्वाइटिंग मी विद ऑल द सीनियर पीपल हियर। हम जानते हैं एंड एवरीवन आउट हियर अग्रीज दैट मिस्टर मोदी इज नोन फॉर गिविंग सरप्राइजेस। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी का जो नेक्स्ट स्टेप है, मेरे में उतनी क्षमता है या कैपेबिलिटी है कि मैं बता सकूं कि ये यही होगा। कयास लगाए जा रहे हैं, बट एज फार एज द टॉपिक इज कंसर्न्ड ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, हम देखिए जब हमने 1947 में जब इंडिपेंडेंस गेन करी, उसके बाद से जब हमने हमेशा सुना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, उसमें कहीं ना कहीं पिछले 75 साल में हमारी एकता अनेकता तो रही है पर उस अनेकता में कई एजेंडे आ गए और उस एजेंडा की वजह से जो एकता थी, दैट बाइंडिंग फोर्स विच वॉज सपोज टू प्रोपेल दिस कंट्री फॉरवर्ड, वो कहीं ना कहीं खोता गया। और वो क्यों खोता गया? बिकॉज हम एक फेडरल स्ट्रक्चर है, एक फेडरल डेमोक्रेसी जिसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि लोगों को लोकल इश्यूज और अपने क्षेत्र की और अपने कल्चर की विषय में बातें रखने का मौका मिलता है, लेकिन उस वजह से क्या होता है, एक नेशनल परिपक्ष में जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं खोती गई। तो इसलिए आप देखिए जब प्रधानमंत्री आए उसके बाद उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड का शुरुआत करी, वन नेशन वन टैक्स करा, वन नेशन वन कार्ड किया जिससे कि आप ट्रैवल कर सके, उसके बाद एक निशान एक विधान किया। तो आई थिंक समवेयर हिज होल आइडिया एंड हिज होल एफर्ट्स आर डायरेक्टेड कि हम इस कंट्री को यूनिफाइंग फोर्स के तौर पर लेके आए, जहाँ जहाँ पर हम चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। वो ऑफकोर्स एनडीए का अगर आप इतिहास भी देखें तो एलके अडवाणी ने भी इस बात को उठाया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस बात को उठाया था, दैट वन नेशन वन इलेक्शन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, नॉट जस्ट इकोनॉमिक, आप सबको पता है कॉस्ट तो ऑप्टिमाइज होनी ही होनी है। उत्तर प्रदेश का एक चुनाव ले लीजिए, 4,000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, एक फेज में 50,000 पैरामिलिट्री पुलिस वाले लगते हैं, तो 5 फेज में आप सोचिए कितने मैंडेज लग जाते हैं, टीचर्स लगती हैं, पूरा 1 महीना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। मतलब हम कहना क्यों कह सकते हैं कि नॉर्मल काम होता रहता है, बट सब लोग जानते हैं कि काम बहुत अधिक तरीके से डिसरप्ट होता है, द एंटायर मशीनरी कम्स टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। सो एज फार एज ऑप्टिमाइजेशन इज कंसर्न्ड, यस इट्स अ ग्रेट आइडिया। दूसरी चीज़, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं लोकल इश्यूज ओवरशैडो हो जाएंगे, और उसके काउंटर में लोग कहते हैं कि उड़ीसा का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ तो हमेशा बीजेडी आती है स्टेट में और जो सेंटर में पार्टी जीतती है उसी को लोग अमूमन वोट करते हैं। क्या ये हमेशा होता रहेगा? नहीं, द वोटर इज स्मार्ट। तो अगर हमको लग रहा है कि वोटर नहीं देख पाएगा या फिर नेशनल इश्यूज ओवरशैडो कर जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये भारत भी बहुत आगे बढ़ चुका है। वोट मतलब आप अवेयरनेस देखिए ना, आपके जैसे चैनल्स हफ्ते दर हफ्ते घंटा डेढ़ घंटे का शो करते हैं जिसको लोग पूरा पूरा देखते हैं तो, और इन बातों को असिमिलेट करते हैं, तो वोटर नोज कि वो कहाँ पर जा रहा है। तो आई एम फॉर इट एज आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड बी, मेनली बिकॉज ऑफ द कॉस्ट,
the administrative streamlining that will happen. And third thing, jis tarike se anek jhande hain but koi agenda nahi hai, I think the nation needs to have a common minimum program and not just the alliances that should have a common minimum program. प्रेम कुमार जी, गुंजा जी ने कुछ बताए हैं कि अगर हम एक देश एक चुनाव की तरफ जाते हैं क्या सहूलियतें हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, और जैसे उन्होंने आखिरी लाइन कही कि वो उसके पक्ष में हैं, आपको इस विषय पर क्या चिंताएं दिखती हैं? देखिए, एक देश एक चुनाव जो आज जरूरत पड़ी तो जो लोकतांत्रिक तरीके से इसके स्ट्रक्चर में चुनाव होने के शेड्यूल में फर्क आया, नेचुरली 75 साल में यह स्थिति बनी, पहले एक साथ चुनाव होते थे, और नेचुरली इसलिए आया क्योंकि हमारे संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही 356 का भी प्रयोग होता था, सरकारें गिराई भी जाती थी, पहले भी चुनाव होते थे, तो वो अनशेड्यूल्ड हो गया, एक साथ होना बंद हो गया, यानी ये एक नेचुरल ग्रोथ हुआ। अब हम इसको अगर फिर से करेक्ट शब्द सही नहीं है, पुरानी पोजीशन में लाना चाहते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट तो सिचुएशन पर है, तो उसके लिए हम क्या लोकतंत्र के किसी पैमाने पर हम कोई अनडेमोक्रेटिक बात तो नहीं चुन रहे, कोई रास्ता ऐसा तो नहीं चुन रहे जो अनडेमोक्रेटिक है, ये महत्वपूर्ण है। अगर डेमोक्रेटिकली सब कुछ ठीक हो जाए कि सब एक साथ चुनाव होने लगे तो ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? एक देश एक चुनाव, यही क्या सबसे बड़ी प्रायोरिटी है? क्या एक देश एक चुनाव होने से लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा? क्या एक देश एक चुनाव होने से संसद में क्रिमिनल्स का पहुंचना कम हो जाएगा? क्या उसमें धन बल और बाहुबली का प्रयोग खत्म हो जाएगा? क्या जो फिजूल खर्ची और व्यापक जो काले धन का प्रयोग चुनाव में है वो एक दल एक एक समय में सारे चुनाव होने से वो खत्म हो जाएगा? लेकिन हमें नहीं लगता कि इसका उत्तर हाँ में है। इन प्रश्नों का जवाब जब ये नहीं देता है तो ये हमारी प्रायोरिटी कैसे होगी? हमारी प्रायोरिटी, मैं बार बार बोलता हूँ, ये होनी चाहिए कि 75 साल के बाद आज अगर 120 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं और सिर्फ 94.5 करोड़ वोटर एनलिस्ट हैं, तो जो लोग एनलिस्ट नहीं हैं उनकी संख्या सरकार बनाने वाली 23 करोड़ से ज़्यादा है, यानी जितने में सरकार बनती है उससे ज़्यादा लोग के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। हम किस बात की बात कर रहे हैं आजादी के 75 साल बाद? तो हम वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं? प्रायोरिटी यहां होनी चाहिए ना, एक देश एक चुनाव, इससे कौन सा चुनाव सुधार होने वाला है, इससे कहां डेमोक्रेसी मजबूत होने वाली, हमारी चिंता यहां है। इसलिए यह बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है, पहले प्रायोरिटी का काम कीजिए, पहले प्रायोरिटी का काम करना चाहिए। अवधेश कुमार जी, इस विषय पर लगातार आप लिखते और बोलते भी रहे हैं, और ये जैसा गुंजा जी ने भी कहा था कि बहस पुरानी है, एक चीज और जोड़ दूं, जो सवाल उठ रहा है, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इससे जो राज्य सरकारों की स्वायत्ता है, कई सारे कार्यकाल हैं, कई बिल्कुल सरकारें, अगर अभी हम देखें, अगर अभी ये बिल नहीं आता तो 5 राज्य ऐसे जहां चुनावों में जाना है, ये जो कार्यकालों पर असर पड़ेगा, अभी हालांकि इसका कोई ड्राफ्ट सामने नहीं है, इसको, इस सबसे बड़े सवाल को कैसे सुलझाया जाएगा जहां जनता का मत 5 सालों के लिए है वो जो ऊपर नीचे होगा? देखिए, पहले तो जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है वो केवल इसीलिए है, ये अभी तय नहीं है क्योंकि हमारे सामने स्पष्ट नहीं है। 5 दिन का मतलब ये भी संभव है मोदी सरकार की 5 विशेष चीजें आकर के, और उसमें क्योंकि जैसे 370 को पारित में 1 दिन लगा था, 4 से 5 घंटे में राज्यसभा में हुआ, पारित हुआ, जो कि एक बड़ा मतलब कल्पना नहीं थी, तो ऐसे कुछ चीजें और भी हो सकती हैं जिसके कारण, लेकिन चूंकि पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में इसके लिए एक समिति बनी है जो आज तक भारत में कभी हुआ नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि सरकार ने अपनी गंभीरता का संदेश दिया है। दूसरे की राष्ट्रपति पहल बनने के पहले जरूर किसी दल के होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद एक देश के निष्पक्ष अभिभावक की भूमिका राष्ट्रपति की हो जाती है, तो रिटायरमेंट के बाद भी हमको उसी रूप में लेना चाहिए कि राष्ट्रपति अगर हैं, मेरा अपना मानना है कि प्रणब मुखर्जी जीवित होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे रिक्वेस्ट करते कि आप इस संसदीय समिति के अध्यक्ष बनिए, चूंकि डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने गणतंत्र दिवस के संबोधन में इस बात की चर्चा की थी कि ज्यादातर चुनाव से हमारे देश की क्या हालत हो रही है, डेमोक्रेसी जो कुछ ये सवाल उठा रहे हैं, डेमोक्रेसी उससे कैसे प्रभावित हो रही है, राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन, राजनीति पर धन बल कैसे बढ़ा है, छोटे छोटे दल कैसे खड़े हो गए स्वार्थ के आधार पर जो काम कर रहे हैं, बाहुबली कैसे, माफिया कैसे आ गए, ये सारे प्रणब मुखर्जी ने अपने भाषण में चर्चा की थी, लेकिन वो स्वर्गीय हो गए हैं, तो चूंकि बचे हुए पूर्व राष्ट्रपतियों में आप हैं तो लगा कि इनको देना चाहिए, और इन्होंने अपने खुद के 2 संबोधन में
संसद के संयुक्त संबोधन में दो बार पूर्व राष्ट्र रामनाथ कोविंद ने जो है 2018 में जो 29 जनवरी को जो संयुक्त अधिवेशन हुआ उसमें चर्चा किया था, उसके बाद जो अंतिम उनका संयुक्त अधिवेशन था उसमें उन्होंने चर्चा की है। तो जाहिर है कि उनका भी एक इसके प्रति है, लेकिन संसद का जो सत्र है विशेष सत्र उसमें जो संसदीय कार्य मंत्री है प्रहलाद जोशी, उन्होंने तो इतना ही ट्वीट किया है ना कि अमृत काल में संसद का विशेष सत्र 18 से 22 तक बुलाया जा रहा है। किसी ने अभी स्पष्ट नहीं किया है, कौन जानता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके 18 तारीख को पहले उसको पारित करा दिया जाए। आप कौन जानता है कि जो है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको लेकर के कोई विधान पारित किया जाए। कौन जानता है इस समय चीन के साथ जो हमारी समस्याएं हैं, तो वो कई चीजें उससे है कि जैसे हम अक्साई चीन कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये चाइना ऑक्युपाइड जो है ये लद्दाख है, मैं अक्साई चीन नहीं कहता हूं, जिसे वो पाक। तो बहुत सारे अभी एजेंडे में है सरकार के जो ये, जैसे गुंजा ने कहा मैं भी ये बोलने वाला था। देखिए, नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कहीं आपकी असहमति हो सकती है, लेकिन देश हमारा एक रहे, देश एकजुट रहे, विरोधियों के प्रति भी सम्मान भाव रखते हुए उनको भी देश की मुख्य धारा में लाए, इस प्रकार से शासन व्यवस्था हो, इस प्रकार से विधान हो, उससे जुड़े सारे प्रक्रम हो, शिक्षा व्यवस्था हो, इस प्रकार के काम करने की कोशिश होती है, और उसके कारण निहित स्वार्थी तत्वों को बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है और खड़े होकर उसका विरोध करते हैं जब पर्सनल स्वार्थ पर असर पड़ता है। तो वो जो नरेंद्र मोदी ने, यहां तक कि हुआ कि आपके पास अगर कार्ड है और आप किसी दूरस्थ अंडमान निकोबार में है, दिल्ली में आते हैं, तो उसी से राशन भी मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार की यूनिफिकेशन की बात देश में नहीं हुई थी। तो वो जो एक देश को एक रखना है, एक देश के मानस को एक रखना है, जो राजनीति में शुद्धता लानी है, लोकतंत्र लाना है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस है, जिसमें एक बड़ा प्रोसेस जो है वो ये है एक साथ एक चुनाव। अब जो इन्होंने सवाल उठाया है, दो तीन बातें देखिए, इनका जैसे प्रेम जी कह रहे थे कि नेचुरल हुआ है ये, मैं ये मानता हूं कि भारतीय लोकतंत्र का, राजनीतिक व्यवस्था का, हमारी संवैधानिक व्यवस्था का ये नॉर्मल सिचुएशन लगातार चुनाव नहीं है, ये सामान्य स्थिति नहीं है, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। 1967 तक सबको मालूम है कि सब चुनाव एक साथ होते थे, जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध असंतोष हुआ, सारी पार्टियां उभरी लेकिन उनको नहीं मिला बहुमत, फिर कांग्रेस ने भी षड्यंत्र करके 8 राज्यों में सरकारें बनी, अलग अलग जगह कांग्रेस ने भी षड्यंत्र किया उन सरकारों को गिराने के, की सरकार तो कांग्रेस के षड्यंत्र से गिरी, लड़ाई पैदा आपने किया है, तो उस प्रकार से सरकारें फिर गिरी है। फिर आपने इंदिरा जी ने इंडिकेट सिंडिकेट की जो लड़ाई थी कांग्रेस के अंदर, जिसमें कि था कि भाई मोरारजी निजलिंगप्पा सारे एक साथ हैं, और उसमें बंटवारा कांग्रेस के बंटवारे की स्थिति हुई, उसको खत्म करने के लिए जो चौथी लोकसभा थी उसका कार्यकाल उसको पहले भंग कर दिया 1970 में, फिर उन्होंने जब इमरजेंसी लगाई तो लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया है। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एबनॉर्मल सिचुएशन संवैधानिक दुरुपयोग के कारण, सत्ता के द्वारा लोगों की सामूहिक आकांक्षाओं को पूरा न करने के कारण जो डेमोक्रेसी का परवर्जन हुआ है उसका स्वरूप ये आज है। क्योंकि उसके बाद फिर जनता पार्टी की सरकार आई, आपस में चली नहीं वो तो 2.5 साल, और चलने के पीछे भी कांग्रेस थी, जिसने कि राजनारायण जी को और उसके पीछे किया चरण सिंह को कि आप खड़े हो जाइए, उनकी सरकार को सपोर्ट दिया, फिर बिना संसद का सामना करते हुए गिरा दिया गया। वही हाल चंद्रशेखर जी की सरकार का हुआ है, तो बीपी सिंह की सरकार भी गिर गई है। तो ये नॉर्मल सिचुएशन था, इसको नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए एक साथ केवल लोकसभा विधानसभा नहीं, प्रत्येक वर्ष हमारे यहां हमेशा कोई ना कोई चुनाव चलता रहता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो चुनाव है, स्थानीय निकाय, उन सबको एक साथ कराने के लिए। और आपने जो कहा कि कोई दस्तावेज हमारे पास है, वो है कि सरकार ने उसको मान्य नहीं दिया है। पहला दस्तावेज जो है वो तो 1999 में जो 170वें विधि आयोग की रिपोर्ट है, उसने डिटेल इस पर बताया, क्योंकि उस समय बहुत चिंता थी। उस समय तो बड़े बड़े लोग बसंत साठे तक ने कहा था कि भाई देश के संविधान का पुनरीक्षण होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें बताया, जिसमें यह भी मुद्दा था, वेंकट चिलैया में पुनरीक्षण समिति बनी, उसने रिपोर्ट दिया। आजकल तो कहा जाता है भाई संविधान पर सवाल ही नहीं उठा तो इतना संशोधन क्यों हो रहा है, वो एक वो रिपोर्ट है उसमें। उसके बाद जो दूसरी रिपोर्ट है विधि आयोग का 2018 का है, वो सबको मालूम है रिपोर्ट है। इसके अलावा पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी थी लॉ एंड जस्टिस की, पब्लिक ग्रीवांसेस की, उसने 2015 में भी इस पर एक डिटेल अनुशंसा किया हुआ है, पूरा डिटेल है उसमें सब जो आप सवाल उठा रहे हैं वो सारी चीजें हैं। फिर नीति आयोग ने भी एक स्टडी पेपर इसके सामने रखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे सामने पहले से बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, और अब विधि आयोग ने जो देश भर से इस पर सुझाव मांगे थे,
थे, वो सुझाव भी बहुत सारे आ गए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस पर चर्चा नहीं हुई, वो सारी विधियां हैं। जो सवाल ये उठा रहे हैं कि बहुत सारे सवाल जो उठाए जाए वो सवाल भी हैं, लेकिन जब आप कोई कदम बड़ा उठाते हैं संपूर्ण देश की के सिस्टम को पटरी पर लाने की कोशिश होती है डेमोक्रेटिक सिस्टम को, तो आपको आउट ऑफ बेस जाना पड़ता है। कुछ उसमें समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, उनके निदान हमारे संविधान की व्यवस्था में भी है और हमारी राजनीतिक व्यवस्था में भी है, और सबसे बड़ी बात होती है इच्छा शक्ति की होनी चाहिए। लेकिन अब समस्या यहां आ रही है कि विपक्ष जो है, चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार कुछ कर रही है तो उसका हर हाल में विरोध करना है, इतना ही है। अंतिम जो मैं बात करना चाह रहा हूं, लोक संविधान कहीं भी एक साथ चुनाव करने का निषेध नहीं करता है। यह नहीं कहता कि एक साथ आप करा लीजिए, लेकिन निषेध नहीं करता है। जिस संवैधानिक बदलाव की बात हो रही है उसमें 356 को छोड़ दीजिए तो बाकी में बहुत बड़ी समस्या है नहीं, और उसकी जरूरत भी नहीं है। उसका उस पर अगर आगे पूछेंगे तो मैं उन धाराओं पर बात करूंगा, उस पर आएंगे। समीर जी, जहां से बात शुरू हुई और जो कई सारे पॉइंट है जो अवधेश कुमार जी ने उठा दिया, उसमें एक चिंता जो जुड़ती है वो ये जुड़ती है कि ठीक है, एक बार सिस्टम बिगड़ना शुरू हुआ उसके कई कारण थे, राजनीतिक उठापटक जो राज्यों में दिखी थी, और उसके अलावा कई राज्यों के पुनर्गठन हो रहे थे, वहां पर चुनावों की आवश्यकता महसूस हुई थी और वहां पर चुनाव हुए थे, और उसलिए वो जो एक क्रम था कि एक साथ चुनावों का वो टूटा था। पर अब अगर हम दोबारा एक देश एक चुनाव की तरफ बढ़ते हैं तो जो कार्यकाल अभी भी बचे रहेंगे, क्योंकि अब तो जो अवधेश कुमार जी ने कहा वो बात तो सच है, वो नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पिछले 30 सालों में कोई साल ऐसा नहीं गया जब इस देश में कोई ना कोई चुनाव ना हुआ हो, तो जो हर साल चुनाव होते हैं उनके कार्यकालों का क्या होगा, जो सबसे बड़ा सवाल है कि जनता के जो मैंडेट हैं अलग अलग, चाहे वो नगर पालिकाएं हों चाहे वो उनकी विधानसभाएं हों, वहां पर भी तो वो कार्यकाल बचे रहेंगे, उनको आप कैसे एडजस्ट करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बात का जिक्र करना चाहता हूं कि 2009 में जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय में भी उन्होंने, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी आडवाणी के नेतृत्व में, उसके बाद प्रधानमंत्री जो भी प्रधानमंत्री है उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, उनका एक बयान आया था, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था गुजरात में अहमदाबाद में कि मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में एक देश और एक चुनाव हो, जिससे जो आचार संहिता लगते हैं जिसके कारण जो विकास के काम बाधित होते हैं, जो पैसा ज्यादा जाता है सरकार का, वो जनता के हित में इस्तेमाल होगा, वो पूरा देश 5 साल में एक बार चुनाव करके बाकी बचे समय में देश के विकास कामों में सरकार भी जुटेगी और देश की जनता भी अपने कामों के लिए फ्री हो सकेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार से प्रधानमंत्री बनने के पहले से ही दिमाग में उनका विचार था, प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद उन्होंने कई बार जिक्र भी किया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये बात कही जाती है कि भाई जो सरकारों का कार्यकाल लंबा बचा हुआ है और उनके साथ क्या होगा, तो मुझे लग रहा है कि अगर देश के हित के अंदर अगर ये प्रधानमंत्री आउट ऑफ बॉक्स जाके सोच रहे हो और एक बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस करना होगा। आज नहीं, जब भी ये होगा तब भी ये बात रहेगी कि इसका कार्यकाल बचा हुआ है और इनका भी अभी चुनाव है तो उनके साथ क्या होगा। मुझे लग रहा है ध्यान रखते हुए विधि आयोग ने से बहुत डिटेल में रिपोर्ट सबमिट करी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार इस पर विचार विमर्श किया, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से अब एक कमेटी बना दी गई है तो इसके पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक उनको बढ़ना है जिस तरीके से एक देश एक चुनाव में, तो उसके लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं और किस तरीके से बढ़ेंगे, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का इसका पूरा खाका तैयार होगा और वो उस दिशा में आगे बढ़ने की। अब अभी अगर हम देखें तो इसी साल अभी नवंबर में 5 राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना और मिजोरम में। उसके बाद आप तुरंत देखोगे केंद्र में चुनाव होंगे, उसी के साथ उड़ीसा में भी चुनाव होंगे, अरुणाचल प्रदेश में भी चुनाव होंगे, उसके साथ में आंध्र प्रदेश में चुनाव होंगे, उसके 3-4 महीने बाद आप देखेंगे तो फिर महाराष्ट्र में चुनाव हो जाएंगे, झारखंड में चुनाव है और हरियाणा में चुनाव है। तो अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2025 तक 15-14 महीने के अंदर 12 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और हर 3-3 महीने के बाद चुनाव होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 29 राज्यों में से अगर 12 राज्यों के चुनाव हर 3 महीने बाद हो रहे हैं तो ये हो सकता है कि सरकार लोकसभा चुनाव के साथ इन 5 राज्यों को और 3 महीने के बाद जो चुनाव होने वाले उनको मिला के 12 राज्यों को क्लब करके चुनाव करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकती है, या केंद्र सरकार ये भी कर सकती है कि लोकसभा चुनाव एक अलग करे और बाकी विधानसभा चुनाव एक साथ में करे। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष को इसे बड़े मन से स्वीकार करना चाहिए, और जब विधि आयोग ने सब राज्यों से राय ली थी तो आज जो कई राज्य इसका विरोध कर रहे हैं उस समय उन्होंने इसमें सहमति दर्शाई थी कि हाँ हम एक देश एक चुनाव में तैयार है। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष को बड़ा मन रखना चाहिए, हालांकि विपक्ष को लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे लोकप्रियता के शिखर पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे देश के अंदर है तो विपक्ष कैसे सामना करेगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो बेसिकली कोई राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी दल ऐसा नहीं जिसकी पूरे राष्ट्र के अंदर उपस्थिति हो, सब क्षेत्रीय दल है। तो उन्हें यह लगता होगा कि अगर लोकसभा और विधानसभा साथ में चुनाव होंगे तो जो भी इनकी एकजुटता मुंबई में बनी है साथ में लोकसभा चुनाव लड़ने की, विधानसभा चुनाव तो साथ में लड़ेंगे नहीं, तो फिर कैसा होगा कि विधानसभा उसी दिन हो रहा है और हम विरोध कर रहे हैं और लोकसभा में
समर्थन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम पूरे देश के अंदर प्रचार करके अपने विस्तार जो करना चाहते हैं वो कर सके, तो विपक्ष की अपनी विचार है। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे एक राष्ट्र के रूप में प्रधानमंत्री जिस हिसाब से रिफॉर्म में लगे हुए हर तरीके से रिफॉर्म कर रहे हैं, लॉ को लेकर उन्होंने कई रिफॉर्म किया, कानूनों को लेकर और पॉलिटिकल रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सभी को इसमें साथ में आना चाहिए और सर्वदलीय बैठक भी होगी और सभी दलों को यह कहना चाहिए कि हाँ इस समय देश को एक चुनाव और की जरूरत है और सारा राजनीतिक दल अपने वैचारिक मतभेद छोड़ के इस पक्ष में सरकार के साथ आना चाहिए और एक चुनाव के आना क्योंकि सबके हित में, और ऐसा भी नहीं कि वोट बैंक बदल जाएगा, आपके जो वोटर है वो आपको तब भी वोट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको बड़ा मन रखते हुए प्रधानमंत्री की इस जो योजना है उसके साथ जाना चाहिए। बड़ा मन ना हो तब तब भी होगा, होना तो पड़ेगा। ये सवाल इसको आगे लेते हैं। देशरतन जी, मैं यही इसी सवाल पर आना चाह रहा था कि विपक्ष की जो तमाम आपत्तियां हैं उन आपत्तियों में दो पॉइंट दिखते हैं। एक आपत्ति है राजनीतिक, जो विशुद्ध रूप से इस सवाल को उठाती है कि भाई जो ढेर सारी सरकारें बची हैं, जो इसकी टाइमिंग है, विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि हम एक साथ बैठने शुरू हुए तो उसको एलिमिनेट करने के लिए आप इस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात को आगे फैला रहे हैं। अभी तो वही जसवदेव जी ने कहा कि अभी तक ये तो तय नहीं है कि ये बिल आ रहा है, लेकिन इसके बारे में जिस तरीके से चर्चा शुरू की गई है, समिति का गठन हो जाना, और दूसरा जो इसमें पॉइंट है जिसको कई विपक्षी नेताओं ने कल मुंबई में अपनी बैठक के दौरान उठाया, वो ये था कि ये तो एक वृहद चर्चा का विषय है। इसमें आप 17 दिन पहले एक समिति बनाते हैं, अगर ये ड्राफ्ट पार्लियामेंट में ही आ रहा है तो 17 दिनों में समिति को विचार लेने हैं, राय लेनी है लोगों से, क्या 17 दिन का समय ऐसे विषय पर काफी होगा जहां समिति सब पक्षों से बात कर लेगी और उसके बाद उसको उस आधार पर कुछ पार्लियामेंट में आ जाएगा? देखिए उत्कर्ष जी, ये कोई पहली बार चर्चा तो हो नहीं रही है, ये चर्चा बहुत पुरानी है और इस पर बहुत सारे लॉ कमीशन ने, जिसको हम विधि आयोग कहते हैं भारत का, और नीति आयोग ने, बहुत सारी समितियों ने, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिसमें सारे विपक्ष के लोग थे, उन्होंने चर्चा की है और कर चुके हैं, अपने मत दे चुके हैं। आज जो विरोध कर रहे हैं, किसी समय उन्होंने वहाँ इसके पक्ष में विचार रखे और बोला कि होना चाहिए एक इलेक्शन इस देश में एक ही वक्त पे। तो अभी जो हो रहा है वो राजनीति है। आपने जो अपने असल मुद्दे और विचार थे, आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में रख चुके हैं, लॉ कमीशन ने भी मांगी थी आपसे विचार, वहां पे भी रख चुके हैं, नीति आयोग के सामने भी रख चुके हैं, तो आप अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। इस पर बहुत वृहद चर्चा हुई जिसमें मैंने भी बहुत सारे डिबेट में पिछले 2-3 साल में हिस्सा लिया है। तो ये एक बात हो गई, ये निष्पक्ष बात है, इससे राजनीति से अलग होके देखना चाहिए। अभी जो कह रहे हैं कि फेडरलिज्म पे नुकसान पहुंचेगा, 1967 से पहले फेडरलिज्म को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब तब फ्रॉड हो रहा था, कांग्रेस की सरकार कर रही थी। तो देखिए इसको निष्पक्ष होकर अगर देखेंगे, दुनिया में बहुत सारे उदाहरण है, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे वो जर्मनी का हो, जब एक इलेक्शन एक वक्त में होता है तो वो मतदान का प्रतिशत बहुत बढ़ जाता है, और जब प्रतिशत बढ़ता है तो आपका प्रजातंत्र डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है तो फेडरलिज्म भी स्ट्रांग होता है, हर एक को उसमें पार्ट लेने की आज़ादी होती है और वो खुल के सामने आता है पार्ट लेने, चाहे वो राष्ट्रीय इशू हो चाहे वो लोकल इशू हो या राज्य के इशू हो। तो ये नहीं कह सकते कि फेडरलिज्म कमज़ोर हो रहा है। आप ये नहीं चाहते, विपक्ष नहीं चाहता है कि हमारा देश का प्रतिशत 80-90-100% के आसपास पहुंच जाए, क्योंकि इनको क्या दिक्कत होती है, इनको लगता है 80% तो हिंदू हैं, वो बाहर निकल के आ जाएंगे तो इनकी तुष्टिकरण की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो उसको आपको उससे जोड़ के देखना चाहिए, वरना कोई विरोध नहीं है। कौन प्रजातंत्र में कौन नहीं चाहेगा कि वोट प्रतिशत बढ़े, पहली चीज। दूसरा, कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे आपका ये जो डॉट 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 अलायंस है, इसको कभी मैं इंडिया नहीं बोलता हूं, थोड़ा सा मुझे बहुत अजीब लगता है। 7 सितारा होटल ग्रैंड हयात में हो रहा था, मुझे ये बहुत अमीर लोगों का जमघट लगा, वो जमघट जो प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से बॉम्बे पहुंचे, मुंबई पहुंचे और वो उसमें हिस्सा ले रहे थे, और इनका पिछला वो देखिए कैसे ये लोग राजनीति में आए थे। झोपड़ी में रहने वाले लोग महलों में रहने लगे, आय का क्या स्रोत था, कोई बिजनेस नहीं था, कोई सरकारी काम नहीं था, राजनीति से पैसे कमाए हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो वो जमघट है जो मुझे ज़्यादातर मरघट की तरह लग रहा था वहाँ पर, वो जो जमघट था उसमें इन्होंने क्या प्रस्ताव पास किया, एक असंभव बात को शब्दों का मुखौटा पहनाया कि जितना संभव हो सकेगा उतना हम एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे, एक असंभव बात को एक शाब्दिक मुखौटा
पहना दिया ये बताने के लिए, तो आपका उसका क्या रिजल्ट, नतीजा क्या वहां मीटिंग का हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप कन्वीनर तक इंडिया वाली बहस पर हम आएंगे अगर इस विषय पर अगर आए, क्योंकि कल जो चिंताएं आई थी उस चिंताओं में एक ये चिंता भी थी जिसका जिक्र आपने हालांकि पहले अपने जवाब में किया कि फेडरलिज्म की बात थी। प्रेम कुमार जी मैं आप पर आ जाता हूं, क्योंकि ढेर सारे सवाल हैं जो इस बीच में उठे हैं। हमने देखा था कि अक्सर, और ये चंद्रयान 3 की जब लैंडिंग हुई थी तब भी हमने देखा था कि खूब ये याद दिलाया था कि 61 से 63 के बीच में जो हुआ है सरकार को वो भी देखना चाहिए। अब जब उस दौर में जो हुआ था वैसा ही कुछ करने की कोशिश है, तब वो दौर क्यों याद नहीं आता कि तब तो एक साथ इस देश में एक साथ एक चुनाव हो चुके हैं ना? अगर दोबारा वो देश उस प्रणाली पर जा रहा है तो क्या तब वो प्रणाली खराब थी? तब भी जिस दौर की हम बात करते हैं कि एक साथ दोनों चुनाव हुए, तब भी इसको कोई निश्चित नियम में बांध करके नहीं हुआ था कि एक साथ ही होंगे। और जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई, अभी अवधेश कुमार जी भी कह रहे थे कि वो सब जो हुआ गैर संवैधानिक तरीके से हुआ, लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ गैर संवैधानिक, अच्छा ये नॉर्मल सिचुएशन थी। तो मैं ये कहता हूँ जो भी हुआ संवैधानिक तरीके से ही हुआ, चाहे सरकारें गिराई गई बनाई गई या जो भी हुआ उसके हिसाब से डेवलपमेंट हुआ। आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज बाध्यता की बात कर रहे हैं कि एक देश एक चुनाव का रूल बनाइए कि एक ही साथ हो, यानी वो फिर से अलग होकर के चुनाव ना हो, ये बात कर रहे हैं। तो इसको करने के लिए मैंने पहले भी कहा कि डेमोक्रेसी के साथ में हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। डेमोक्रेटिकली नेचुरली अगर कुछ होता है तो वो होना चाहिए। इसमें एक तर्क दिया जाता है पैसा खर्च होने का, एक तरह अभी गुंजा जी भी बोल रही थी कि स्पेशल पुलिस फोर्स लगाए जाते हैं, ये सब होते हैं। स्पेशल पुलिस फोर्स क्या नियुक्त किए जाते हैं? उनकी सैलरी जो है वही तो मिलती है उनको। हम ये देखते हैं कि जब जब चुनाव होते हैं हमारी जीडीपी बढ़ती है, हमारी कंजम्पशन हमारा बढ़ता है, इकोनॉमी की आवश्यकता होती है कंजम्पशन होना, हम कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, और इलेक्शन के समय में वो बहुत सारा काला धन भी आता है बाहर, वो भी खर्च होता है। तो इस तरीके से इस चीज को कि इलेक्शन में जो पैसे आते हैं खर्च होते हैं इससे इकोनॉमी मजबूत होती है, और ये धारणा उलट कर बताई जा रही कि देश का पैसा खर्च होता है। उस दौरान हम लोग मनरेगा जैसे काम करते हैं कि वो काम नहीं भी है तो काम क्रिएट करते हैं ताकि मजदूरों को पैसे दिए जा सके और इकोनॉमी चले, और यहां तो एक इलेक्शन एक अवसर आता है जो पैसे छुपे हुए धन है वो खर्च होता है, ये देश के लिए जरूरी होता है जो ये इकोनॉमी की बात होती है। इसलिए मैं बिल्कुल उलट राय रखता हूं कि जो चुनाव होता है उससे पैसे बच जाएंगे। पैसे बचाने के लिए डेमोक्रेसी, पैसे बचाना एक बात है, डेमोक्रेसी सबसे ऊपर है, पैसे खर्च हो गए बच गए उससे ऊपर है डेमोक्रेसी। तो इसलिए डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रांग होगी ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक चुनाव की भी जब हम बात करेंगे या इससे उलट जो व्यवस्था है उसी को में भी बात करेंगे तब भी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रांग होगी, और उस हिसाब से हम देखते हैं तो एक देश एक चुनाव में ये चिंता ही नजर नहीं आती है। मुझे लगता है प्रेम कुमार जी जब आप बोल रहे थे ना आपके तर्क पर अपनी राय रखने के लिए या उसके प्रतिरोध पर ढेर सारी उंगलियां उठी, एक एक करके सबको लेता हूं। अवधेश जी सबसे पहले आपने कुछ नोट्स भी बनाए हैं अगर आप बताएं तो। नहीं, जो प्रेम जी बोल रहे हैं वो मेरे तो हक में है क्योंकि बार बार चुनाव होता है तो मेरे तो पत्रकार के रूप में बहुत काम मिलता है, साल में 3-4 बार जो है कई बार वो बैठते हैं सुबह से शाम तक, तो अच्छा भुगतान करते हैं सब, तो हमारे लिए तो हम सबके हक में है कि लगातार चुनाव हो, साल में आनंद भी आता है। एक साथ इतने राज्यों का विश्लेषण करने के लिए रात भर जगना पड़ेगा, एक दो राज्य का रहता है आसानी से कर लेते हैं बोल लेते हैं, तो ये जो कुछ भी है वो उस रूप में तो हमारे हक में है, हम लोगों की आदत भी बन गई है। देखिए इस समय का सिचुएशन पहले देखिए कैसे ब्लैक मनी आती है, लगातार चुनाव होने से जो कमजोर लीडरशिप उभरा है उसके लिए देश भर में जगह जगह जिला में भी सर्वे एजेंसियां बन गई है, इलेक्शन मैनेजमेंट की कंपनियां बन गई है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट बन गई है। मेरे पास तो फोन आते हैं, हो सकते हैं इनमें से भी किसी के पास आता होगा कि हमने आप हमारा नाम दे दीजिए, और वो सब एक एक जो सेल्फ निहित स्वार्थी तत्व जो होते हैं कि हम इनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम इनका चुनाव देख रहे हैं, हम फलाने पार्टी को कह गए, हम उनके लिए सर्वे कर रहे हैं, और वो पूरा देश में एक माहौल बनाए बनाते हैं। तो ऐसे लगातार चुनाव जो हो, ज्यादातर होने से एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, पकौड़ा बेचने जैसा ही रोजगार है। नहीं आप बड़े आप जो बोल रहे थे बड़ा रोचक है और उससे मनोरंजन भी होता है, और ये एक डिफरेंट तर्क
शक भी है, और क्योंकि ब्लैक मनी को लेकर उस पर तो एक लंबी बहस हो जाएगी। ब्लैक मनी व्हाइट मनी की जो परिभाषा है उससे मैं भी सहमत नहीं होता हूं। वो एक इन्होंने जो बात कही है कि ब्लैक मनी किसको कहते हैं, जो बैंक में है वो व्हाइट है, हम घर में रखे हुए हैं तो हम हिसाब किताब सरकार को न दिए तो सब ब्लैक हो जाएगा, वो एक अलग पक्ष है कि, और ये बात तो सही है कि इस देश की इकोनॉमी ब्लैक मनी से तो चल ही रही है, उसमें कहां कोई दो मत है, तो उसमें वो भी पार्ट जोड़ता है, लेकिन हमको उस प्रकार का देश नहीं बनाना है। बिल्कुल, मतलब जो जो जरूरी। अब जो चार पांच सवाल जो है, पहली बात इन्होंने उठाना है, पहली बात तो यह है कि एक साथ चुनाव करने के लिए कोई रूल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग चुनाव के लिए भी रूल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए रूल नहीं है कि एक साथ चुनाव हो, उस पर पॉलिटिकल सहमति होगी। तो उसमें जो है कि जो बार बार आप सवाल उठ रहे हैं, कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना पड़ सकता है, कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना पड़ सकता है, तो घटाने का मतलब समय के पहले उनको भंग करना पड़ेगा, लोकसभा का या तो कार्यकाल बढ़ाओ या लोकसभा का को समय से पहले भंग करो, तो इसके लिए कुछ संविधानिक संशोधन की व्यवस्था होती है। तीसरे, जो स्टेट में अगर मतलब आप किस आधार पर भंग करेंगे, कोई 356 का हमारे यहाँ जो प्रोविजन है उसमें राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति 356 वो केंद्रीय कैबिनेट का ही डिसीजन होता है, वो दो स्थितियों में होती है ना, कि बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो गया हो या गवर्नमेंट जो है फंक्शन करने की स्थिति में नहीं हो, कोई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा हो, मोटा मोटी दो सिचुएशन में ये होता है। तो ये दो सिचुएशन नहीं हो और समय के पहले अगर भंग करना हो तब 356 को कैसे लागू किया जाए, ये है। बाकी जो 83 की बात हो रही है, 85 की बात हो रही है, उसमें यह है कि भाई उसमें जैसे लोकसभा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है 83(2) के अनुसार, उसी प्रकार से उसमें विधानसभा का कार्यकाल भी आप एक बार में एक साल के लिए बढ़ा सकते हैं। तो और लेकिन मेरा मानना है कि 174 में जैसे राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार है, कि ये बिना संशोधन के भी हो सकता है, जो संशोधन पांच बताए हैं ना, क्योंकि सामान्यतः अगर सरकार जो है बहुमत में है तो वो लोकसभा या विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर सकती है, उसके लिए संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता भी नहीं है। ज्यादातर जो चार जो संशोधन सुझाए हैं विधि आयोग ने, यही तो है कार्यकाल बढ़ाने घटाने का, पर उसमें सहमति है केवल बढ़ाने वाले में, तो वही कर संशोधन ऐसा है। अब जो INDI की जो बैठक हुई थी उसमें भी कई दलों ने कहा कि सिद्धांततः, जैसे JDU ने कहा कि सिद्धांततः हम लोग इसे सहमत है, ये गलत समय में गलत तरीके से लाया जा रहा है, अनेक पार्टियां ने पहले उसमें सहमति व्यक्त की हुई है, क्योंकि 2015 से ये बात चल रही है। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने किसी से फोन पर बात ही नहीं की होगी, मुलाकात में चर्चा ही नहीं की होगी, शरद पवार इसके सबसे बड़े पैरोकार बन गए थे, तो पार्टियों में सहमति बनी है। जो इस समय हम देख रहे हैं ना, देखिए लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के पूर्व का माहौल है, INDA एक व्यवस्थित तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है, तो इस समय सरकार से उसको लगता है कि सहमति व्यक्त करने से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो वीक पड़ जाएगी, इसलिए वो कोशिश कर रही है ऐसा करने का। देशरतन जी, आप भी एक पॉइंट रेज करना चाह रहे थे, उसमें ये सवाल भी जोड़ लूं कि विपक्षी जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, वो इस मतलब अगर ये बिल आता है तो उसकी टाइमिंग को लेकर ज्यादा है, बात सहमति असहमति इस बात की है कि चुनावों से ठीक पहले अगर ये आता है, मैंने चुनाव इसके लिए बिल लाने की आवश्यकता, मैं यही तो कह रहा हूं कि एक साथ चुनाव कराने के लिए किसी प्रकार के विधेयक लाने की जरूरत नहीं है, वो आप केवल विधानसभा लोकसभा के कार्यकाल समय के पहले भंग करने बढ़ाने इतने के लिए बनानी है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि 356 को छोड़ के बाकी अगर सहमति बनती है तो संशोधन की उसमें आवश्यकता बिल की इसलिए आ रही है, जिसको विपक्ष के कई नेताओं ने कहा उसका आधार सिर्फ एक था कि अगर राज्य सरकारें न चाहे भंग तो फिर आप उनकी मति नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे, तो उस पर एक बाध्यता लाने के लिए बात हो रही है बिल की। दूसरा, उसमें जो चिंता उठ रही है कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट में हंग असेंबली आई फिर आप क्या करेंगे अगले 5 साल तक, क्योंकि फिर उनको जाना ही पड़ेगा 3 या 4 या 6 महीने, उसका भी रिकमेंडेशन है विधि आयोग में, तो वो रिकमेंडेशन लाने के लिए बिल सवाल पर विचार बिल शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं इसलिए क्योंकि आप रिकमेंडेशन को लागू नहीं कर सकते, आपको उसके लिए नियम बनाने होंगे। सर, सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पर एक विपक्ष का जो मानसिक खोखलापन है वो शायद प्रेम कुमार जी की विचारधारा वहां से आ रही है। हमारा GDP बढ़ाने का नया तरीका ढूंढा है इन्होंने, लगातार इलेक्शन कराते रहिए और भारत का GDP बढ़ाइए। ये पहली बार मैंने इकोनॉमी का एक नया सिद्धांत देखा है कि इस तरह हम अपने देश की GDP बढ़ाते हैं, कालाधन निकलवाते हैं। कालाधन इन्होंने मान लिया कि विपक्ष के पास है, और जो आज की सरकार है वो कैसे निकलवाती है ईडी की, इन्होंने नहीं कहा केवल विपक्ष के पास है, नहीं देखिए लगता तो विचारधारा तो विपक्ष की ही है ना, नहीं उनका, ये सुनिए सुनिए अवधेश जी, दूसरा ये जो चर्चा जो चल रही है इसमें आप जरूर देखें कि विपक्ष
टाइमिंग की बात करता है, कोई भी बिल आता है हमेशा टाइमिंग की बात करते हैं। सैद्धांतिक तौर पर अवधेश जी ने भी बोला, सारी पार्टियां कहती हैं कि ये अच्छी बात है, जो कुछ परेशानियां आएंगी उस पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। दूसरा, जो आपने बिल की बात करी, 51% स्टेट्स को इस पर हाँ बोलना पड़ेगा, और वो कोई बड़ी बात नहीं है, 29 में से 15 राज्यों में ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है, तो ये बिल पास हो जाएगा ऐसी मुझे जो लगता है, अगर आएगा तो। अगर जो परेशानियां हैं, जैसे एक विचार ये भी है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो साथ में आप कॉन्फिडेंस विश्वास प्रस्ताव भी साथ में लाएंगे, ऐसा नहीं कि आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन कर दिया और सरकार में अविश्वास प्रकट कर दिया, उसके बाद क्या, उसके बाद फिर आप जोड़ तोड़ शुरू करें, उसी के साथ में आप विश्वास मत भी लाएंगे, जिससे कि आप अल्टरनेट सरकार का एक विजन दे सकें, नीति दे सकें और नियत दे सकें। और साथ में मेरा अपना ये जो मानना है, सरकार गिराना थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना पड़ेगा। जो आपको 51%, मैं उस कॉलेज से आता हूँ जहाँ पे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का यूनियन में एक सिस्टम है, वहाँ पर अध्यक्ष को, यूनियन के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री बोलते हैं। वहां पर क्या है कि अगर आपको उस कैबिनेट को गिराना है तो वो कहते हैं जब आप चुनाव होगा तो सरकार को सिर्फ 40% वोट चाहिए, 51% नहीं चाहिए, जिससे कि वो डिफिकल्ट हो जाता है, जो गिराना चाहता है उसको 60% वोट लाने पड़ेंगे। तो ये जो चीजें, सरकार गिरा के अव्यवस्था आपको नहीं लानी है देश में। और जो इलेक्शन, अवधेश जी के भी जो सजेशन थे, किसी का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा, किसी का कम करना पड़ेगा, और वो सहमति से भी किया जा सकता है, उसमें असहमति भी हो सकती है। अगर बिल पास हो गया तो उसमें सहमति की सिर्फ 51% राज्यों की जरूरत है। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए चर्चा राष्ट्र के विषय में है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। हमको राष्ट्र को अगर आप प्रथम रखेंगे, नेशन फर्स्ट रखेंगे और फिर सोचेंगे, तो आपको रास्ते जो परेशानियां हैं ना, उनके आपको सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे। लेकिन आप ये कि हम बीजेपी की विचारधारा या विचार से इसलिए असहमत हैं, चाहे वो राष्ट्र के प्रति हो या राष्ट्र के फेवर में हो, क्योंकि बीजेपी लाई है, हम इसका विरोध करेंगे, तो वो गलत है। ठीक है प्रेम जी, क्योंकि आपका नाम आया, मुझे लग रहा है वो फाइनल कमेंट लें और चर्चा की तरफ फिर आगे बढ़े, और समीर जी और गुंजा जी मैं भी आपके फाइनल कमेंट लूंगा। ये जो बात हो रही है कि विरोध सिर्फ इसलिए है क्योंकि सत्ता में एक दल है, उसने इस बात को लाया है, वरना सैद्धांतिक रूप से तो सब सहमत थे। अवधेश जी ने भी उसका जिक्र किया, देशरतन जी ने भी जिक्र किया कि पिछली ढेर सारी बार जब ये चर्चा हुई है पिछले कई सालों में, तब तो यही दल जो आज विरोध करते दिखाई दे रहे हैं वो सैद्धांतिक रूप से सहमत थे। तो क्या सिर्फ विरोध के लिए विरोध है? क्या सुधार की तरफ ये देश आगे ना बढ़े? जी पहले मैं इसी प्रश्न को लेता हूँ, फिर निगम जी की भी बात पर आऊंगा। ये विरोध के लिए विरोध की जो बात है कि विपक्ष को विरोध करना है इसलिए विरोध कर रहे हैं, वो डरे हुए हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये डर अगर है, मान लीजिए कि सब सही कह रहे हैं कि विपक्ष डरा हुआ है, तो किस कारण से डरा हुआ है? जो कि उनका चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है, यही तो कारण है। उनके बीच डिफरेंसेस बढ़ सकते हैं कि स्टेट इलेक्शंस में और नेशनल इलेक्शंस में जो मिल करके इंडिया बना है, शायद स्टेट इलेक्शंस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, यही तो कारण हो सकता है। तो ये कारण अगर उनके लिए डर का है, तो ये कारण सत्ताधारी दल के लिए फायदा उठाने का है। तो सत्ताधारी दल चूंकि इंडिया से डर गया, भाई एनडीए इंडिया से डर गया, इसीलिए इसकी टाइमिंग है। भाई इंडिया जब बना, लगातार मजबूत हो रहा है, लगातार एक रिजोल्यूशन ले रहा है, और लग रहा है कि अगर इंडिया सचमुच में इस थॉट के साथ इलेक्शन में आ जाता है तो एक बड़ी चुनौती और सत्ता बदलने तक की स्थिति में आ सकता है। तो इससे डर के कारण यहां भी एक डर है, फायदा उठाने के लिए इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, इससे पहले तक तो नहीं किया था, अब किया चुके इंडिया सामने। अगर डर इधर है तो डर इधर भी है, ये एक आपके प्रश्न का उत्तर है। दूसरा, निगम जी जो कह रहे थे मेरी बात को कि हम ऐसी बात कह रहे हैं जिससे कि चुनाव करा करा करके जीडीपी बढ़ाने की बात करें, चुनाव कराने का फैसला मेरा या किसी पार्टी का तो हो नहीं सकता। चुनाव जो लगातार हो रहे हैं, एक पूरा इकोसिस्टम है जिसके तहत चुनाव लगातार हो रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं तो फैक्ट है ना कि जब जब चुनाव आते हैं हमारी जीडीपी बढ़ती है, ये तो फैक्ट है। तो इस तर्क के साथ कि चुनाव होने से खर्चा बचा लेंगे, ये बहुत छोटा तर्क है कि खर्चा बचाने के लिए आप डेमोक्रेसी सैक्रिफाइस कर देंगे क्या? खर्चा बचाने के लिए डेमोक्रेसी सैक्रिफाइस नहीं। जी जी
वो पहले पॉइंट अगर उनका आ जाए फिर एक एक करके मतलब तो हम कह रहे हैं नहीं हर समय का आप इलेक्शन के समय का आप क्वार्टर का जीडीपी निकाल लीजिए ये आपको समझ में आ जाएगा ये है जब जब इलेक्शन हुए स्टेट इलेक्शन हो नेशनल इलेक्शन हो उस स्टेट का भी देख सकते हैं एकदम क्लियर फैक्ट है इसमें कोई ये नहीं है तो हम ये कह रहे हैं कि जाहिर बात है कि खर्चा को दिखा करके हम डेमोक्रेसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप दूसरे तर्क दीजिए ना कि हम डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं इसलिए ऐसा करना चाहते आप सिर्फ खर्चा बता रहे हैं अरे खर्चा सदन की कार्यवाही चलने लगती है वहां भी लोग खर्चा दिखाने लगते हैं और देश का कानून बनाना इन खर्चों से बहुत ऊपर है ये खर्चे कुछ नहीं है और खर्च तो भाई इकोनॉमी का पार्ट होता है खर्च को हम नेगेटिव क्यों लेते हैं ठीक है मुझे लगता है कि ये बहस जो है ना ये उस राजनीतिक पक्ष की ओर ज्यादा जा रही है जो एनडीए बनाम इंडिया हो रहा है और जैसा हमने शुरू में कहा था कि हम उस चर्चा पर भी आना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि इस चर्चा को विधेयक वाली कि हम क्या एक देश एक कानून की ओर जा रहे हैं को विराम देकर थोड़ा सा बिल्कुल आप एक पॉइंट रखें और बोल देती हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और मैं ऐसे भारत में बड़ी हुई हूँ जो लिबरलाइज भारत था और उस भारत का लिबरलाइजेशन कांग्रेस ने किया था लिबरलाइजेशन इसलिए किया जिससे कि जॉब्स बढ़ें और उससे जीडीपी बढ़े अगर हम चुनाव को एक जरिया बना लेंगे जीडीपी बढ़ाने का विश्व हम पर हंसेगा प्रेम जी वी विल बिकम अ लाफिंग स्टॉक नहीं दूसरी चीज आप कहते हैं कि नहीं नहीं दूसरी चीज आप लोग कहते हैं कि करना हुआ बातों को नहीं नहीं आपने दूसरी खर्च कैसे बच रहा है हम तो यहाँ मैं बता रही हूँ ये जो है का पुलिस को नियुक्त नहीं करते हैं पुलिस का पैसा कौन देता है टैक्स पेयर देता है हाँ, आप इस पर आ जाना बिल्कुल बिल्कुल मुझे वहीं जाना है आप अपना पॉइंट पुलिस का पैसा कौन देता है टैक्स पेयर देता है पूरा समय इसी पुलिस पे चला जाएगा नियमित सैलरी के अलावा उनको कुछ मिलता है क्या मिलता है आप सुनिए मिलता है पर डे अलाउंस मिलता है चला जाएगा ना तो पूरा एक ही टॉपिक गुंजा जी पर डे इलेक्शन मोड में रहते हैं पर डे अलाउंस मिलता है मैं वापस बोल रहा हूं कि हम अपनी डिबेट को फिर इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर ले जाएंगे और वो विषय बहुत बदल जाएगा इसलिए जो मैं कह रहा था कि इसमें ना बार बार जो हम सब के बीच में एक बात आ रही है वो ये है कि क्या ये फैसला किसी राजनीति से प्रेरित है कि इस चर्चा को यहां विराम दूं एक बार फिर इसरो ने इस देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया है हमारे आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग हुई है और हम अपनी ओर से भी इसरो के उन तमाम वैज्ञानिकों को जो इस प्रयास में जुटे थे खूब शुभकामनाएं देते हैं और इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं आपके पास एक काम है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है लगातार आपकी जो राय है जो यहां पर चर्चा हुई आप उससे सहमत हैं असहमत हैं वो लिख के हमको जरूर बताइए इस वीडियो को खूब लाइक करें खूब शेयर करें और अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में।